लो राहुल भाई से भी ज्यादा अच्छे रिव्यूज हैं किसी के। ये देखो भाई, इसके तो आंसू भी आने लग गए इतनी सी देर में। ओए एडिटिंग में ध्यान रखियो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप का एपिसोड 66 और भाई कूड़ा हो रखा है कमरे में। कपड़े धोने का विचार था लेकिन मशीन नहीं है होटल में और भाई उठने को राजी नहीं। आज प्रधान, ओए चले पराठे खाएंगे, ही इज़ नॉट इवन वेकिंग अप। तो चलो यार कोई नहीं, हम लोगों को तो जाना पड़ेगा, आप और मैं चलते हैं। मुझे लग रही है बहुत ज़ोर की भूख क्योंकि भाई रात से खाना नहीं खाया और जो खाया था वो बाहर आ गया। घटिया सा शौरमा था, वो मैंने उल्टी करके निकाल दिया। तो चलो अब चलते हैं बाहर की तरफ। चलो भाई चले यहाँ से बाहर। भाई चारों तरफ नज़र मारने के बाद कौन बता सकता है कि मैं इस्तांबुल टर्की में। ऐसा लग रहा है जैसे अपने दिल्ली तिलक नगर जैसे एरिया में ही घूम रहे हैं। बढ़िया भाई, वही घर बने हैं ऊँचे ऊँचे, उनके नीचे दुकानें बनी हुई है, लोग घूम रहे हैं, गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हैं, आगे पीछे रिक्शे विक्शा हंड है भाई। सही है, एक नंबर भाई, बढ़िया। लेकिन खाना पीना ठीक मिला है। और यार होटल से निकलते ही हार्डली मेरे हिसाब से 600-800 मीटर पे ही अपना वो इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ से 2-3 दिन पहले हमने खाना वाना खाया था। बहुत बढ़िया खाना था, मतलब मेलो सा बेसिक सा खाना था। मतलब अगर वो इंडिया में होता तो अपन शायद ना भी खाते, लेकिन अब यहाँ मिल रहा है तो बढ़िया ही मिल रहा है भाई। पराठे वराठे चाय शाय जो भी मिलेगा वो सब खाते हैं, चलते हैं। पहुँचने वाला हूँ हार्डली 2-1 मिनट में। ये रहा इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन मसाला करके इसका नाम है, मसाला। ये है भाई इंडियन रेस्टोरेंट, मसाला मैजिक इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ पर कुछ खाते हैं जाके। ये भाई इनका मेन्यू, इसमें चिकन बिरयानी, बिरयानी, पकोड़े, समोसे, ये सब हैं भाई। नूडल वूडल्स भी हैं, बढ़िया। अपना आलू जीरा मंचूरियन, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, अपना ये बटर चिकन वगैरह है, चिकन के आइटम है, रोटी नान पराठा। सही है, बढ़िया है, काफ़ी सारा मेन्यू है। देखते हैं कौन सा क्या खा सकते हैं अपन। थोड़े से इंतज़ार के बाद आ गया भाई अपने पराठे, आलू गोभी की सब्ज़ी और दही, एकदम बेसिक घर वाला खाना, क्योंकि सुबह सुबह काब्स चाहिए भाई, काब्स बहुत ज़रूरी है। अब बढ़िया इसका सूड मचा के खाते हैं आराम से। भाई पापी पेट का सवाल है, इसलिए ये सोता हुआ बंदा भी उठ के आ गया भगता हुआ। चलो बढ़िया है, अब और खाएँगे पराठे भाई। भाई खाना खा के निकले हैं और बहुत ज़्यादा ही तो खा लिया, मतलब डिमोलिश कर दिया सारा कुछ उनके पास जो था खाने का। तीन बार खाना मंगाया, यहाँ से लेफ्ट लेना है। और अब हम कहाँ जा रहे हैं भाई? बारबर शॉप। नहीं कुछ और कह रहे थे आप, हजामत कराने। हाँ हजामत कराने, तो ये टर्की के लैंग्वेज में हुआ हजामत है। चल हजामत मोस्टली जितनी मॉडर्न लैंग्वेज है उर्दू, इनमें हजामत ही बोलते हैं। ठीक है भाई, तो हम भी यहाँ पर है तो हजामत ही बोलेंगे, हजामत कराने जा रहे हैं। चलो बढ़िया, वहाँ से चिटकोले बन कर आते हैं। एग्जैक्टली, लेट्स गो। यार बहुत ही तो स्टीप चढ़ाई थी। और ये है भाई बारबर शॉप गोजडे, चलते हैं अंदर की तरफ। 5-star रिव्यूज, 132 रिव्यूज है, मतलब राहुल भाई से भी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज हैं किसी के। भाई ये है अपने भाई का प्री, पहले कैसा दिख रहे थे भाई साहब। हाँ जी, ये क्या कर दिया? भाई नाक में कुछ घुसेड़ दिया ताकि नाक भी साफ हो जाए। भाई तो आज इसको पूरा चमका के ही मानेगा, आज प्रधान का असली चेहरा बाहर आएगा। 4 महीने के बाद मैं कनाडा में चिटकोले बन के अंडे थे, अब देख लो किसे से बन के अंडे हैं। तो यार हजामत तो हो गई हमारी टॉप नॉच, और आई नो वरुण ने सारे के सारे बिट्स नहीं कैप्चर करे, भाई पता नहीं क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने हमारे लिए लगाई। बाकी वरुण अभी तो ऐसा लग रहा है आगे चल के भाई ये भी थोड़ा सा 5-1 साल जवान हो जाएगा जैसे हम हो गए हैं। हाँ हाँ रहन दे, सही है। दाढ़ी आप लोग कह रहे थे कि दाढ़ी थोड़ी सी काट लो, तो लो भाई दाढ़ी कटवा ली। अब कहीं कोई बढ़िया नाई मिलेगा तभी तो कटवाएंगे, वरना फिर वही वाली बात है, इधर से कट मार दिया तो सारी की सारी दाढ़ी की शो खराब हो जाती है। यह है भाई मौत का फरमान। और मेरा नाक बहुत सेंसिटिव है भाई। नाक सेंसिटिव तो ठीक है भाई, मेरे को पता ना, मैंने सारी की सारी चीज़ें पहले से एक्सपीरियंस कर ली भाई। मैंने पहली बार ये सब कोतक करवाए हैं, मतलब वरुण तो हमेशा ही करवाता रहता है, इसकी तो आदत है ये सब चीज़ें करवाने की। करवाओ करवाओ, इसके डालो भाई नाक में डाल लो। और अब ये थोड़ी देर ऐसे ही रहेगा, थोड़ी देर क्या मतलब काफ़ी देर तक ऐसे ही रहेंगे भाई, और नाक बिल्कुल बंद हो जाता है। मतलब आप कोशिश करते हो कि नाक से सांस लो बट हो नहीं पाता, और वहाँ वो मौत के फरमान की मिश्रण हो रही है, मिक्सिंग। ये लगेंगे यहाँ पर, कितना गर्म है ना, तेरे को मैंने पहले इसलिए नहीं बताया। ये तो मुझे पता है गर्म ही होगा।
हाँ तू तो भाई करवाता रहता भाई, मैं तो पहली बार करवाया ये सब चीज़ें। और भाई जब ये निकलता है, ओहो आँखों में से क्या आंसू निकलते हैं कसम से। कह रहा था ना वैक्सिंग करवाऊँगा एक दिन, ये देखो भाई इसके तो आंसू भी आने लग गए इतनी सी देर में। टर्की एक नंबर जगह है अगर आपको अपनी मतलब सेल्फ केयर करानी हो तो। क्यों भाई, द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ओह भाई साहब, मतलब इसकी तो ओहो कैसे बहुत मजा आ रहा बाल 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 तेरे तो कान में भी लगाया भाई ने। हाँ तेरे कानों में भी तो बाल है ना बहुत सारे, तभी तो तेरे को कम सुनाई देता है। आया मजा, सब सुनाई सब दिखाई दे रहा है। यार अब आप बताएं कैसा लगा, भाई ने करा एक नंबर काम, मजा आ गया। हाईली रिकमेंडेड बाय रूसेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई के पास से बाल वाल कटा के निकले, एक नंबर अंकल ने फुल टाइम लगा के हम दोनों के बाल काटे। अभी थोड़ा उन्होंने अपने हिसाब से स्प्रे मार के बनाए हैं बाल, मगर वो हम अपने बना लेंगे। बाल का पता नहीं ना, बट चलो जैसा भी है जैसा उसने बना के दिया हम वैसा लेकर आ गए हैं अपना चेहरा। वही वही तो भाई, बाकी सारे काम हो चुके हैं, अब शाम को आराम से नहा धो के आएंगे। और अपने एक भाई भी आ चुके हैं जिनका नाम है आर्यन राहुल हेदवंशी, उनके साथ अपना मस्त डिनर शिनर करेंगे। भाई से भरत मिलाप दोबारा से करें, प्रोजेक्ट मिलाप तो उनका कुछ खास जा नहीं रहा, तो भगवान करे कि उनका प्रोजेक्ट मिलाप और हमारा भरत मिलाप सारा सब हो जाए। तो शाम को उनके साथ डिनर पर मिलते हैं। चलो भाई नहा धो के फ्रेश होके आप पता निकल लिए, एंड यहाँ से राहुल भाई मतलब कुल मिला के 11 मिनट की वॉक पर है, उनको पकड़ते हैं फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे अब रात को डिनर विनर करने। भाई से मिले हुए भी 3-4 दिन हो गए, 5 दिन का टाइम दिया था उनको कि 5 दिन में आ जाना, बाबा तो गोली गिरफ्तार से पहले ही आ गए। इतना मिस करते हैं यार हमारे को, मैं क्या बताऊँ। अच्छा इस तरफ मैं तेरे को इस तरफ ढूंढूँ? नहीं नहीं मैं हर जगह हूँ भाई। भाई बूंद थी तो गिर रही है भाई, बारिश बुरिश होने का विचार है तो भाई पानी पल्ला लेकर आया अपनी गैल। कोई ना, फिर भीगते चलेंगे। कोई नहीं भाई, छोड़ेंगे वापसी। भाई तो छोड़ ही देंगे, वैसे देखा जाए तो अंकल ने बालों में हेयर स्प्रे ऐसा मार दिया कि किसी के हल्का सा टच हो जाए तो कट जाए। इतनी जोर का हेयर स्प्रे भाई, मैं अभी नहाने लगा उसमें देखो, मैं ये क्या लगा रखा अंकल, बाल वैसे ही कम हो रहे हैं। बट भाई बाल आज क्या बढ़िया, मतलब हजामत एक नंबर की हुई आज हमारी, एक नंबर भाई। और वो वाली बात है क्या कहते हैं, जैसा स्पेन वाला बंदा था ना वैसा ये बंदा एक नंबर। हाँ जैसे स्पेन वाला था भाई, मतलब इतनी आराम से अगले ने भाई बाल काटे। हम उसको समझा रहे थे, देयर वाज अ लैंग्वेज बैरियर, तो हम उसको समझा रहे थे कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, अंकल ने ऐसे करा। प्रोफेशनल हूँ मैं, क्यों मैं प्रोफेशनल तो हाँ, उसने प्रोफेशनल हुआ था कि भाई प्रोफेशनल हूँ मैं, कर दूंगा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे जैसे मतलब 36 आते डेली। हाँ, और सब एक जैसे दिखो तुम। चलो बढ़िया, 10 मिनट की वॉक रहेगी, फटाफट चलते हैं गोली की स्पीड से, गोली की रफ्तार से चले भाई। भाई यहाँ है कहीं अंदर राहुल भाई, अरे वो रे गाड़ी तो दिख गई, राहुल भाई नहीं दिख रहे। अरे गाड़ी के सीने पे चिपका के बैठे होंगे कहीं ना जाएं। हाँ ये भी बात है। ओला ओला की हो, ये देख रहे हो कितने मेहनती है राहुल भाई, काम कर रहे हो गे? क्या है भाई, अरे यार ऑफिस वालों ने आपको पता है कपड़े पाट रहे। तो भाई राहुल भाई मिल चुके हैं सही सलामत, आ गए हैं। 5 दिन का बोला था, इतनी जल्दी कैसे आ गए? स्पीड तो मैं देख रहा हूँ 180 है, 190, 200, जब मैं बजाऊं तब चूरने हो जाए। इस आदमी को ये प्रॉब्लम है भाई, ये इस तो चीज़ है। से भगाने से मैंने कभी नहीं कहा, मुझे भगाने से प्रॉब्लम देख रहा है। नहीं 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 नहीं, मैंने क्या कहा, शहर के बीच में किसी के सामने जू मत करो, अगर आपको खाली रोड पे भगानी क्या प्रॉब्लम है इसमें, मतलब खाली रोड पे भी भगाना भाई। चला 401 पे किसने भगाई थी? आपने? मैं चलाता भी नहीं 401 पे। आप क्यों नहीं चलाते, आप पूरी भगाओ 401 जरूर। मैं ज्यादा नहीं भगाता, दूसरी बार गाड़ी भगाई। चलो छोड़ो भगाने भगुने की तो ऐसी है भाई, हमें मेरा जो बचपन की ड्रीम थी वो थी F1 रेसर बनने की। कहीं ना मैं इन छोटी छोटी खुशियों में अपनी F1 रेसर वाली फील ले लेता हूँ।
नहीं रोड बढ़िया था, नो डाउट ये रोड बढ़िया था। हां मैं अकेली चीज जो आपने मिस कर दी ना, मतलब आप लोगों ने जो मिस कर दी वो कर दिया सिर्फ ड्राइविंग। भाई बहुत बढ़िया ड्राइविंग थी, बोरिंग हो गई एक टाइम के बाद। 200-250 साइड से गाड़ियां यूज आ रही, गोली की स्पीड से, जबकि मैं 180-90 चल रहा हूं। मगर भाई ये ना माने, कोई पुलिस नहीं, कोई पूछ, ट्रेलर के बिना क्या परफॉर्मेंस रही। ओहो बहुत, 8.3 लीटर पर 100 किलोमीटर, 14 से 8 करेंगे उसका भी जुगाड़ करेंगे, उसको अभी तो कर दिया। चलो उसके टायर शिप करा देंगे, सिंपल सीधी बात, टायर शिप करा देंगे रोम में। वहाँ भी देखे मिल जाएंगे, वहाँ पे मिल तो जाएंगे, मिल तो जाएंगे। वो तो टर्की में काफी ज्यादा बड़ा है सेंटर। यहाँ पे कितना पे कर रहे हो? किसका? ये पार्किंग लॉट 6 यूरो पर नाइट। पर नाइट बहुत बढ़िया। वॉशरूम है और 6 यूरो में, वो भी इंक्लूड है, क्या बोलते हैं, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री अनलिमिटेड लॉन्ड्री। बहुत बढ़िया, 6 यूरो ले रहे हैं भाई। वरुण लॉन्ड्री ले आएंगे और अगर आपको नहाना हो तो आप उधर आ जाना। बाथरूम है, हॉट शावर है पीछे। अरे कभी कभार मतलब समझ रहे हो ना, ना मैं लेविश लाइफ से, मैंने वो लेविश है ही नहीं हमारा। अगर हमारा अगर लेविश है ना, फिर तो मतलब आई वुड कंसीडर दिस एज लेविश। स्टार होटल में रुक रहे हो, मैंने लेविश जो लाइफ है उससे पूरा पूरा वो ले लिया भाई। लेविश वेविश कुछ ना है, वो अपने जैसे ओयो होते हैं ना, 400-400 वाले, वैसा ओयो है वो। ओयो नहीं है भाई, बढ़िया होटल है, 3 स्टार होगा। तो चलो यार, अब हम डिसाइड करते हैं कि रात का खाना पीना कहाँ करना है। अब राहुल भाई आ गए तो अब हम वी कैन ड्रिंक एंड ही विल ड्राइव अस। बट यहाँ पे टर्की में ना ड्रिंकिंग कल्चर नहीं है जितना स्मोकिंग कल्चर है। बट यहाँ पे बेच रहे हैं ये लोग, देर सेलिंग अल्कोहल। हम आपको पता है इतनी पीते नहीं है, कभी एक इक्का दुक्का वही वही वही। तो चलो अब डिसाइड करते हैं, फिर आप लोगों को बताते राहुल भाई। हुक्का पियेंगे नहीं पियेंगे वो उनकी मर्जी है, बट हम ले आए राहुल भाई, दिखा देंगे उनको कहाँ पी रहे थे हम हुक्का। Exactly. तो ये वही वाली जगह है भाई जहाँ हम सबसे पहली बार आए थे, पहला दिन हमारा टर्की का, इस्तांबुल का। तो दोबारा से हम यहीं पर ही आ गए हैं एंड अब यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से वही निकलेंगे क्यों, अब यहाँ से अंदर जाएंगे 7वें फ्लोर पे है भाई जहाँ जा रहे हैं, लॉटिस करके जो है ज्यूरिख होटल के अंदर। चलो तेरे को सच बताऊं, ये वाला होटल भी देखा था मैंने जब मैं बुकिंग कर रहा था। अरे तू रहन दे चीप ऐसा आदमी, तेरे चक्कर में मेरे को ऐसे सबसे, ऐसे सबसे मतलब तेरे को मैंने ओयो रूम में रुकवाया है बस। ये ओयो भी नहीं भाई, वो ओयो एकदम वो वाले आए थे बीच वाले की बेकार थर्ड क्लास वाले, वो वाला ओयो दिलवाया तूने मुझे। प्लीज पधारिए। तो भाई गाड़ी को यहीं छोड़ रहे हैं पार्किंग में और आगे की तरफ जा रहे हैं कुछ खाने, और राहुल भाई को बिल्कुल नहीं पसंद वॉक करना, लेकिन फिर भी हम करवाएंगे। लेफ्ट भाई बढ़िया, यहाँ पे शॉर्मा वर्मा ले लिया एक नंबर। अब मेरा तो भाई बिना टमाटर का है, ये भाई टमाटर की गैल खावे, कैंप अभी आ गई, अब इसको एंजॉय करते हैं फुल पावर। भाई खाना वाना तो हमने खा लिया था, लेकिन भाई राहुल भाई को लगी मिठे की नीड, तो भाई हम आ गए शाह सुल्तान बकलावा। अरे भाई वो देखो कोने में लिखा बकलावा। तो भाई छोटा सा आपने थोड़ा सा ही तो खाना है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। चलो भाई आओ, भाई को हिंदी भी आती है। अच्छा वो पीछे रह गए। पाकिस्तान इंडिया इंडिया क्या है भाई, जो मैं बढ़िया बताओ क्या। अच्छा होली मोली। देखो राहुल भाई अब क्या लोगे, यहाँ पर इनके यहाँ सारी चीज़ें हैं, टर्किश डिलाइट्स हैं, वो चॉकलेट्स हैं, आगे फिर बकलावा है। ये रे बकलावे, ये रे भाई चेक करो, दुकान दूर दूर तक है, एक नंबर। तो भाई अब ये दोनों चेक, अब ये दोनों यहाँ पर बकलावा बकलावा सेलेक्ट करेंगे और अपन बनाएंगे इनकी वीडियो। तो भाई ले लिए हमने यहाँ पर 2 डब्बे अपने बकलावा के और एक शहद वहद, बढ़िया सारी चीज़ें ले ली भाई। और काफ़ी मतलब महंगा तो नहीं कह सकते, इट्स लाइक 3000 टर्किश लेयर का था, तो ठीक है बढ़िया यार। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई बढ़िया मज़ा आ रहा है यहाँ पे, रात को नाइट वाइब चेक कर रहे हैं पूरे टाउन की, बढ़िया है यार। पीछे बढ़िया मॉस्क बने हुए थे, बढ़िया सस्पेंशन ब्रिज था, एक नंबर यार। लोग मतलब मेरे हिसाब से ये शहर भी सोता नहीं है अपने दिल्ली की तरह भाई, जगह ही तो रहते हैं लोग, अभी भी भीड़ इतनी ज़्यादा है। नहीं सोता मैं, 1:30 बजे आया था, जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, अपने मयूर विहार जितनी भीड़,
रात को ना होते बीपीओस के बाहर गोली की स्पीड से गाड़ियां जा रही होती हैं एंड ऑल दैट। अच्छा 1:30 बजे की। हाँ गुड़गांव अपने दिल्ली का भी भाई मयूर विहार साइड में सेम हाल है भाई। रात को अपन वहां से आ रहे थे क्या कहते उका उका पी के 2:30 बजे के अराउंड, उस टाइम भी लोग ही लोग रोड पे। मैं भाई तुम सोते साथ ना? अरे यार इसी से तो मैंने मेट्रो ली थी आज सुबह। हाँ सर के सी इधर ईरान एम्बेसी इधर ही ऊपर जाके, अरे दिखाई दो ईरान एम्बेसी कहाँ पे है, राइट में जाएगा ये रास्ता। तो भाई जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ऐसे ही लोग मिल जाते हैं अपने को, पूछते हैं कहाँ पर कितनी ड्राइव कर रहे हैं एंड पीपल डोंट बिलीव अस। एंड भाई ये अपनी बढ़िया ब्लू मॉस के पीछे ही मार्केट है, यहाँ पर बढ़िया तरीके से पब वब्स हैं, क्लब्स हैं, शीशा लॉन्ज हैं और भाई पता नहीं क्या क्या, और प्रॉपर चकाचौंध जगमग जगमग प्रॉपर लाइटें जल रही है यहाँ पर बढ़िया। राहुल भाई प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं और उनको समझने में थोड़ा सा वही लैंग्वेज बैरियर है इस वजह से इशू रहता है, मगर भाई चारों तरफ आप वाइब चेक कर सकते हो, एक नंबर तरीके से बना रखा है, लोग बढ़िया शुक्का उक्का पी रहे हैं, पार्टी शार्टी चल रही है एंड इट्स अ रियली चिल वाइब हियर। भाई लोग लगे हैं बकलावा खाने में, अरे डब्बा भाई ने उल्टा कर दिया था, बेसीधा करा है। सही है भाई, लाइफ बढ़िया चल रही है, चिल चल रही है, एक नंबर मज़ा। और ये भाई कैंप साइट है जो राहुल भाई ने बुक करी है, ये हमारे होटल से हार्डली 5 मिनट के वॉक पे है और इस इंसान से वॉक करके आया नहीं जाता, बोला नहीं नहीं बहुत दूर पड़ता है। तो और बढ़िया यार अब इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं यार, बकलावा मेरा वेट कर रहा है, वरना डब्बे में तो कुछ बचना है नहीं, ये सारा डब्बा ही चाटना पड़ेगा, चाशनी बच जाएगी। तो अब इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू। और ये है इस्तांबुल और मज़ा आ रहा है भाई फुल पावर।